Hey everybody, welcome back to A Beautiful Life. First of all, wish you all a very happy Makar Sankranti and Uttarayan and Lohri and so on. India is celebrating the harvest season and it is celebrated in many different ways in different states of India. Makar Sankranti is celebrated as Uttarayan in Gujarat and the celebration is unique, it's different, it's so much fun. So let's watch how Uttarayan is celebrated here in Gujarat. Uttarayan is a fun festival, but it needs a lot of preparations too. Let's see how we did it. Guides checked. रात में उत्तरायण सेलिब्रेशन यानी काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना उत्तरायण का एक काफ़ी अहम हिस्सा माना जाता है। जैसे दिवाली पे पटाखों के स्टॉल लगते हैं, उसी तरह से पतंगों के स्टॉल यहाँ पे लगने लग जाते हैं जैसे ही उत्तरायण नज़दीक आती है। और हमने कभी सोचा भी ना हो इतने टाइप के अलग अलग पतंग हमें यहाँ देखने मिल जाएंगे। भैया बताइए हमें, आपके पास कौन कौन सी टाइप की पतंगे हैं? ये प्लास्टिक की है। अच्छा, ये बच्चे जैसे बच्चे लोग जो भी है वो ये यूज करते ज़्यादातर से। ओके, ये पूरा तैयार मिलेगा आपको। अच्छा, और इसमें 20 नंग आएंगे। हाँ, पैकेज में इसका प्राइस 180 रुपये। इतना धागा बांधे हुए आएगी, कस्टमर ले जाकर कस्टमर को खुद बांधे। ओके, इसकी क्या कीमत होती है? 70 रुपये। मतलब कस्टमर ले जाते हैं, इसकी भी है, इसमें अलग अलग डिजाइन आते हैं। ये किसकी? ये पेपर का तो नहीं लग रहा है, ये क्या क्या मटेरियल है इसका? हार्ड प्लास्टिक। हार्ड प्लास्टिक, ओके। अलग 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 से अपने अलग अलग डिजाइन में मिलेगा। ओके, और इसका क्या प्राइस होता है? ये 40 रुपीज़ का एक आता है, 40 रुपये। जो है कलर में आता है, कलर फूल में आता है। इसके अंदर आपको अभी हमारे पास जो है किनिया बांधे हुए भी और किनिया बगैर का भी। तो क्या क्या फ़र्क होता है प्राइस में, जिसमें धागा बंधा हो और बिना बंधे हुए धागे में? इसमें 50 रुपये का डिफरेंस होता है। सब कलर आपको जो भी मल्टी कलर मिल जाएगा। ज़्यादा पॉपुलर कौन सी पतंग है, ज़्यादातर लोग जो ले जाते हैं? सैंपल लगा हुआ है, बरेली बरेली से आता है। कहाँ से आता है ये? बरेली। बरेली से भी लगा होता है बरेली का। अच्छा, ये जो है ये तो पहचानी है उसका, वो जो ये जो लोगो लगा है जी, ये बरेली का लोगो लगा हुआ ही आता है। ओके, इसका पेपर भी बहुत अच्छा था जी। ये सैंपल है, हमने सैंपल निकाल रखा है। कार्बन पेपर जैसा, कार्बन पेपर जो आता है उस तरह का आता है। ओके, तो ये ज़्यादातर लोग ये ले जाते हैं? ये सबसे ज़्यादा ये फट, मतलब मोस्ट ऑफली ये पेपर है ना, फटता नहीं है जल्दी। ओके, ये कार्बन पेपर आता है और ये है ना लोगों, और इस पर क्या है ये पेपर इतनी अच्छा आता है कि अमुक पेपर आता है गिरता है फट जाता है, ये पेपर नहीं फटता। अच्छा, इसका क्या रेट होता है? ये हमारे पास है ना ये 340 का है, किनिया बांधा हुआ है। अच्छा, इसमें 20 नंग है। 340 में आपको 20 पतंगे मिलेंगी जिसमें धागा बंधा हुआ है। हाँ, 280 में भी है। Okay, और इससे कम में भी हमारे पास 280 में भी है, इसमें भी किनिया बंधी हुई आएगी, 20 पतंगे हैं। प्लास्टिक का है 2022 का, जैसे कि 2022 आया ना शुरुआत में ही आता है, लोगों ज़्यादातर से ये चूज़ करते हैं कि 2022 आया तो हम 2022 में ये पतंगे। इसलिए हमारे पास ये रॉकेट पतंग आती है, ये 180 में 5 पीस पड़ते हैं। क्या स्पेशलिटी है ये रॉकेट पतंग की? ये ऊपर जा हवा में जब जाती है तो पूरा बैंड हो जाती है। अच्छा, रॉकेट की तरह बैंड हो जाती है। ओके, और स्थिर रहती है पतंग, हवा में स्थिर रहती है, एक जगह पर खड़ी रहती है। थोड़ा हमें धागे के बारे में बता दीजिए। हमारी ब्रांड का धागा आता है, इसमें साकड़ा डाती है रील में। हाँ, और 9 तार आती है। अच्छा, 9 कोर बोलते हैं ना वो। ओके, ये हमारी ब्रांड रहती है और ये बरेली की ब्रांड आती है, हम बाहर से मंगाते हैं यूपी। अच्छा, इसमें कलरफुल भी मिल जाए, कलरफुल भी मिल जाए। 1000 मीटर में आता है, 2000 मीटर में आता है, 3000 मीटर में आता है और 5000 मीटर में आता है। कौन सा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बरेली वाला कि आपका यहाँ जो बनता है? हमारी ब्रांड ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा हम यहाँ हमारी ब्रांड में गारंटी भी देते हैं। अच्छा,
के आपको ना अच्छा लगे ना तो बाद में 16 तारीख को जब उत्तरायण पक जाती है ना तो हाँ? आप रिटर्न कर सकते हैं। तो गारंटी है अगर अच्छा हाँ, नहीं लगे तो आप रिटर्न लेंगे? साथ देता है। ओके, और इस क्या प्राइस आता है इसका? 1000 मीटर का 240 प्राइस है। ओके, 2000 मीटर का 430 है, 3000 मीटर का 540 है। मतलब जितना ज़्यादा लंबा लेंगे उतना फ़ायदा, प्राइस कम मिले। ये कैसे बनता है बता सकते हैं? जो बाहर मैंने देखा बन रहा है, हाँ वैसे ये कच्चा रील आती है, कच्ची रील आती है। अच्छा, यह दूरा चाहिए तो तैयार ले जाते हो। ओके, कच्ची रील आती है उसको तो सरस मिला के पक्का धागा करना पड़ता है। गॉगल्स चेक, एक्सेसरीज चेक। पतंग के साथ साथ एक्सेसरीज लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एक्सेसरीज। बैंडेज होता है ना, जैसे कि हम पतंग चढ़ाते हैं तो डोरा से ना कटे उसके लिए हम उंगली में लगा के यूज करते हैं। ओके, ये उंगली में लगाने के लिए रबड़ आता है। अच्छा, जैसे कि कोई भी मतलब उस तरह से लगा के मतलब आप बैंडेज ना लगाओ और ये लगा लो तो सेफ रहेगी आपकी। सेफ रहेगी, अपने ले जाते हैं, बच्चे लोग ले जाते हैं, बड़े लोग इसको पहन के एंजॉयमेंट करते हैं इस तरह से। यहाँ से मतलब एक कैप भी ले जाते हैं इस तरह से पहनने के लिए। ओके, ये धूप ना लगे वगैरह, धागा दिखे। तो ये अलग अलग मास्क हैं। हाँ, ये क्या प्राइस रेंज में आते हैं? 50 रुपीज से। अलग अलग होता है कि सेम ही प्राइस है सबका? ये है फिर ये देखिए, ये कल, ये जोकर, ये कौन सा कैरेक्टर है भाई पता है आपको? मुझे याद नहीं है। ये भी एक है। ओके, और ये बच्चों के लिए जैसे कि है ना, ये लाइट वाली हेयर बैंड, ये हेयर में मतलब लगाते हैं इस तरह से, रात में जब पतंग उड़ाते हैं तो ये मतलब अच्छा लगता है उस टाइम। और ये अलग अलग हैट्स हैं। ये क्या प्राइस रेंज में आती हैं? ये 100 रुपीज की आती है। 100 रुपीज, हाँ। इसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है। कौन सी लेडीज और कौन सी जेंट्स होती है? ये जो है, हाँ, ये जेंट्स है। ओके, और ये जो है इसमें लेडीज है। ओके, और इसमें कलरफुल। ये देखिए और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये विग पहन के पतंग उड़ाना है। बढ़िया बढ़िया, पहचान नहीं पाएंगे आपको कोई? पहचान नहीं पाएंगे, नॉवेल्टी होगा। सही बात है, लड़की भी विग पहनते हैं। अच्छा, ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग। ये क्या प्राइस रेंज में आते हैं भैया? 100 रुपीज़। और एक वो भोपू दिखा दीजिए, बहुत बढ़िया। मतलब अभी कोरोना के टाइम पे मुंह नहीं लगाना है क्योंकि रिस्क हो जाता है इन्फेक्शन का, तो ये बस हाथ से बजने वाला भोपू है। काफ़ी अच्छी आवाज़ है इसकी भी। कोरोना टाइम्स में ये अपने उत्तरायण सेलिब्रेशन में प्रोडक्ट्स में भी बहुत चेंज आया है। आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन इट्स टाइम फॉर सम एक्शन। Oh, my God.
इतनी मस्त लगी जो ब्लैक। And now another important aspect, food, especially chikki. Chikki is basically made of variety of oil seeds like sesame, groundnut, even coconut and dry fruits mixed with jaggery, which keep your body warm during the cold winter days. ज़्यादातर लोग चिक्की घर पर बनाना ही पसंद करते हैं, पर अगर आप मार्केट में जाओगे आपको कई सारे टाइप्स की चिक्की देखने मिल जाएगी. And then it creates a big confusion ki kaun si le aur kaun si na le. But trust me, they are all worth a try. Apart from chikki, many other delicacies made of seasonal fruits and vegetables are enjoyed during this season. One such delicacy is undhiyo, which is basically a mix of all the seasonal vegetables. So here is our Uttarayan special meal, undhiyo, eaten with puri, jalebi, masala rice, raita and chikki. Life is like flying a kite. Sometimes you have to leave it loose. Sometimes you have to hold it tight. Sometimes your kite will fly effortlessly. Sometimes you will not be able to control it. But even when you are struggling to keep it afloat and the string is cutting into your fingers, don't let go. The wind will change in your favor once again. Just don't let go. Wish you all a happy Uttarayan.